था, रूटीन था मेरा मॉर्निंग का, डेली का, वो काम सारा खत्म हो गया था। और मुझे, मेरे एक फ्रेंड्स है सरोजनी, उनकी एक रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी आप जो रुमाल है जिग जैग वाला, वो रुमाल आप अपनी साड़ी पे लगा के और वर्क करो, जो मतलब काम होता है वो करो। और उन्होंने एक और कमेंट किया था मुझे कि वॉलेट, वॉलेट का मुझे समझ में नहीं आया कि वॉलेट का क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो मुझे वापस कमेंट करके बताए कि वॉलेट के बारे में क्या था, मुझे सही से कुछ भी समझ में नहीं आया था। उनके जो भी उनका मतलब जो मैसेज था, कमेंट था, उसके बारे में। पर ये जो मेरे पास में जिक जैक वाला रुमाल है, तो इसको मैं पूरा दिन अपने साड़ी पे पिक अंडर करके और दिन भर काम करूंगी। तो ये लगा लिया है मैंने रुमाल, और अब मैं करूंगी पूरा दिन काम। अब जैसे भी मुझसे होगा, जितना मैं काम करूंगी, जब तक मैं इसको नहीं उतारूंगी, क्योंकि कोशिश करूंगी कि मैं उनकी रिक्वेस्ट पूरी करूं। और जो हमको सही लगते हैं ना, वो चैलेंज हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। बाकी जो फालतू के, अगर जैसे कोई चैलेंज देता है, बकवास करता है, उनके चैलेंज कभी एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। तो सरोजनी का मैं एक्सेप्ट ज़रूर ये लगा करूँगी हुआ है ये मेरा रुमाल, चैलेंज। और मैं बटन सेट पे लगा देती हूँ। मैंने खाने सारी बदल क्या, गाजर की खीर। और गाजर की खीर बनाने से पहले मैं सबसे पहले गाजर को अच्छे से छील लूंगी। सारी गाजर को अच्छे से धो लिया है, छील के और अच्छे से धो लिया है। अब इसको मैं कद्दूकस करूंगी, जैसे हम गाजर का हलवा बनाते हैं ना, उसी तरह से इसको कद्दूकस करना है। सबसे पहले तो सारी गाजर में कद्दूकस कर दूंगी। पहले मैंने सारी जो गाजर थी वो कद्दूकस कर ली है। और सर्दियों में रहते ही है ना, कभी गाजर का हलवा बनाओ, कभी मूंग की दाल का हलवा बनाओ, कभी गाजर की खीर बनाओ। बच्चे वैसे गाजर का हलवा भी पसंद करते हैं, और गाजर की जो खीर बनाते हैं ना, उसको भी बहुत पसंद करते हैं। उनको बहुत पसंद आती है ये चीज़ें। और बाहर मेरे रोड है तो आवाज़ें बहुत आती हैं, बहुत ज़्यादा टेम्पू वगैरह निकलते रहते हैं, और सामने मकान का काम भी चल रहा है, तो कुछ ना कुछ सामान आता रहता है दिन भर, तो इसलिए आवाज़ें आप लोग इग्नोर कीजिए। पीछे से कुछ ना कुछ आवाज़ आएगी आएगी से, और किचन में आने के बाद ही ज़्यादा आवाज़ आती है, इधर से नहीं आती। और ये बंदर आ गया मेरे, ये घर ही रहता है आजकल, ये आजकल स्कूल कम जाता है, एक ही जाता है मेरे, जो छोटा वाला वो स्कूल जाता है, ये नहीं जाता। और उसको देखो पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, कुछ लाइट जला जा। मेरे अच्छे से गर्म हो गई है, और इसमें डाल दूंगी मैं एक चम्मच भर के घी, क्योंकि जैसे हलवा बनाते हैं उसी तरह से इसको भी बनाया जाता है। पहले घी में अच्छे से सेका जाता है, भुना जाता है हलवे को, खीर को, सॉरी जो गाजर मैंने किस के रखी है उसको, उसके बाद ही इसमें दूध डाला जाता है। तो मैंने 1 से 1.5 चम्मच इसमें घी डाल दिया है, ताकि हलवे का जो खीर है उसका टेस्ट अच्छा आ जाए। घी मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, ये देख लीजिए आप लोग। अब इसमें मैं जो मैंने कद्दूकस करके रख रखी थी गाजर, वो सारी इसमें मैं डाल दूंगी। आपने कहाँ लगाया उसको? ये कौन लगाता है वो इसमें? चैलेंज है, क्या चैलेंज है? चैलेंज है वो अभी बना रहा है खीर। मेरी गाजर अच्छे से भुन चुकी है, और 15 से 20 मिनट इसको हो गए गाजर को भुनते हुए। तो अब ये जो मैंने दूध गर्म कर रही हूँ मैं इसमें, ये इसमें डाल दूंगी, और आधा घंटा कम से कम इसको पकने दूंगी। जो मैंने दूध गर्म किया था वो मलाई सहित मैं गाजर में डाल दूंगी, ताकि इससे कम से कम आधा घंटा पक सके अच्छे से। मेरी खीर बहुत अच्छी बनती है इससे। और साथ के साथ मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि आज मेरे पतिदेव यहीं हैं और स्पेशली उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला। आज छुट्टी नहीं थी फिर भी उन्होंने छुट्टी की मेरे लिए, तो मेरा भी बनता है कि यार मैं उनके लिए चाय बनाऊँ, उनके लिए कुछ अच्छे से टाइम स्पेंड करूँ उनके साथ में। तो आज वो यहीं पे कुछ काम था तो यहीं रुक गए और मेरे साथ साथ उन्होंने दिन की चाय ली। पहले जब वहाँ रहते थे, जब तो वो ऑफिस से आ जाते थे, पर यहाँ आने के बाद वो पहली बार दिन में आए मेरे साथ में चाय पीने के लिए। तो मुझे अच्छा लगा कि संडे सैटरडे तो यहीं होते हैं वो, पर फिर भी जैसे जिस दिन ऑफिस होता है या उस दिन
वापस आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला है। मैं बॉईल करूँगी इसको, और गाजर पाक भी अच्छा बनता है, गाजर का हलवा भी अच्छा बनता है, ऐसी बात नहीं है। पर जो मुझे खीर सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आती है, बच्चों को पसंद आती है, इसमें मैं ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चे मेरे नहीं खाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि हलवा भी बनाती हूँ चाहे कुछ भी, मैं खीर भी बनाती हूँ, कुछ नहीं डालने देते हूँ, ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं डालने देते मेरे, बहुत कम डालते हैं, और वो ऐसे ही खा लेंगे दिन भर घूम घूम के बिना भिगोए, ऐसे ही कटोरियाँ भर भर के, पर ऐसे हलवे में डाल दो चाहे खीर में डाल दो, उनको बिल्कुल भी नहीं भाएगा, कुछ नहीं खाएंगे, पता नहीं क्या आदत है उनकी। पहले तो फिर भी खा लेते छोटे थे, जब अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनके नखरे अलग होते जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, क्या हो गया, क्यों लड़ाई कर रहे हो दोनों, आ जाओ चलो आओ, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, इधर इधर क्या हो गया, ऐसे गुस्से क्यों हो, भैया लेके आया मेरे को, देख बेचारा भैया लेके आया मेरे को, तेरे को क्या हो गया, तेरे को क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, देखना छोरी उधर है, छोरी देखो ये यहाँ ये इसको चेता रहता है कि छोरी इधर देख, ए डार्लिंग देख तो सही मेरी वीडियो में तो परफेक्ट तू ही आती है, देख तो सही बेटू, ए देख देख ले मैंने खीर बनाई, खीर बनाई, खीर गाजर की बहुत टेस्टी वाली, हुआ क्या है दोनों में बात क्या हो गई, अरे यार वो गई कपड़ा उतार रहा, कपड़ा भी नहीं उतारने दे, अच्छे से काम किया है, और ये रुमाल मैंने यही अभी भी लगाया हुआ है, नहीं हटाया था जब तक मैंने सारा काम किया जब तक, तो उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आगे भी अगर ऐसे मुझे चैलेंज मिलेंगे तो मैं पूरे जरूर करूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर।